देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फरजाना, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आज देश में महिलाओं की सुरक्षा एक सवालिया निशान बनती जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में जाति, धर्म और राजनीति के तराजू में तोला जा रहा है। क्या महिलाओं को इंसाफ राजनीतिक धर्म और जाति से हटकर नहीं मिल सकता? इसी संबंध में हमारे संवाददाता प्रीति ने सफाई कर्मचारियों के चेयरमैन संजय गहलोत से बात की। देखिए रिपोर्ट। तो आइए मिलते हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी से और जानते हैं जो कल का दर्दनीय हादसा हुआ है बाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ, उसके बारे में इनका क्या कहना है। बहुत ही निंदनीय और बहुत जघन्य अपराध है, मतलब ये, क्योंकि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। क्योंकि वाल्मीकि समाज, जो हम सारे दलित समाज के लोग हैं, ऐसा हमने कल ही बताया था, ना केवल बाहर के इसमें राज्यों में बल्कि दिल्ली में भी बहुत दो दांत ऐसे अपराधी हैं जो ऐसे कांड करते हैं। और इसमें देखिए जो कुछ भी हुआ वो ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस का जो कुकृत्य किया गया, उन्होंने उनके परिवार वालों को डेड बॉडी नहीं दी और वहीं कहीं जंगल में जाके उसको दाह संस्कार कर दिया। ये तो बहुत अमानवीय कृत्य है। इसमें जो भी दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। साथ साथ हम समस्त वाल्मीकि समाज के लोग ये अपील करना चाहते हैं योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कि उन सबको जो दोषी हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनको कठोरतम सजा, फांसी से कम नहीं होना चाहिए, फांसी कठोरतम सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो पाए। जैसे कि सर जो कल की जो इन्होंने किया ऐसा दुसाहस पुलिस कर्मचारियों ने किया, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है। जो दिल्ली पुलिस है या दिल्ली पुलिस हो या पूरी कंट्री में कहीं भी अगर पुलिस का नाम आ जाता है तो ऐसा लगता है कि एक आम इंसान की रक्षा हो रही है, मगर ये रक्षक ना हो करके इन्होंने कल रात एक भक्षक वाला काम करा, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर। देखिए इसमें पुलिस का जो भयानक चेहरा भी वो भी सामने नजर आया है, क्योंकि हमने खुद देखा, वीडियो क्लिप में चल रहा है, मतलब टीवी में भी देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें। और सबसे पहले तो जो हमारे न्यूज चैनल हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, पहली बार किसी दलित समाज पर जो अपराध हुआ है उसको दिखा रहे हैं बार बार, तो उसमें पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपनी गाड़ी से दूर रहने के लिए धक्के मार रहे हैं। और यहाँ तक भी देखा गया, सुना गया इसमें, कि जो मनीषा बेटी है समाज की जिसके साथ ये अपराध किया इन लोगों ने, उनके पिताजी को भी उन्होंने पीटा है बुरी तरह से, तब जाके अपने उनको कर दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए हम आगामी 2 अक्टूबर को हमारे देश के जो महापुरुष हुए महात्मा गांधी जी, उन्होंने यहाँ हमारा जो पचकुनिया मंदिर है, ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर है, हम सब लोग समाज के सब लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, अपनी जो हमारी समस्या निगमों की उसके खिलाफ भी हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, और साथ साथ मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनको हम श्रद्धांजलि भी देंगे, और साथ साथ उस दिन हम यहाँ बैठ के सब सलाह मशवरा करेंगे और स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाकर इस मामले की सुनवाई के लिए और तेजी लाने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अब कहते हैं कि जो समय है वो बढ़ रहा है और आगे आगे हर एक चीज डिजिटल होती जा रही है, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेंटेलिटी को पुराने टाइम पे लेकर चलते हैं और अभी भी उनके अंदर ऐसा भेदभाव है कि जो एक दलित को, एक राजपूत को, हिंदू मुस्लिम, जो आज तक भी ऐसे काम, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं या ऐसा लोगों के मन में पैदा करते हैं कि ये दलित है, ये है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो, एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, समाज को सोना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत वर्षों से हम लोग दंश झेल रहे हैं इस बात का। जातिवाद तो हम बहुत पहले झेल जा रहे हैं। अब पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पे हमारे देश के जो राष्ट्रपति दलित समाज से आते हैं उनको नहीं बुलाया गया। यहीं से बात साबित हो जाती है कि जो ये मनुवादी सरकारें हैं ये नहीं मानती किसी चीज़ को भी। और लिहाजा ये जो चारों दुर्दांत अपराधी हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, इनको जल्दी ही पकड़ के इनको सजा मिलनी चाहिए और देश में कैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि जो ये जातिवादी हैं इन सब का दंश भी हट सके और जितने भी हम सब दलित समाज के लोग हैं स्वच्छंद वातावरण में अपना जीवन यापन कर सकें और कह सकें कि हम भी इस देश के निवासी हैं। क्योंकि देश को आजाद कराने का मामला रहा हो चाहे पहले के मामले हो, हमारे दलित समाज के लोग जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, अपनी जान पर खेलकर इन लोगों ने। और देखिए हम तो ये भी कहते हैं कि जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं पहले से दबे कुचले रहे हैं, तो इन्हें उभरने में बहुत समय लगा, लेकिन इसके बावजूद भी जब ऐसा अपराध होता तो फिर पीछे हमारा समझ लगाता है। इसके अंदर अपने सभी दलित समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आने वाली 2 अक्टूबर को हमारा जो ऐतिहासिक मंदिर है वाल्मीकि मंदिर पचमिया मंदिर मार्ग पर, वहां सब हम इकट्ठे होंगे,
हमारी बेटी जो ये मनीषा शहीद हुई है, इनके जो दुर्दांत अपराधी, इनको पकड़ने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ साथ जो भी हमारे समस्त वाल्मीकि समाज के लोग फैसला लेंगे उस पर हम अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे। इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।